बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है, करीब 58,832 वोटों से। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रियंका टिबरीवाल को हराया है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उनमें भवानीपुर सीट से खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही थी और ममता बनर्जी ने यहाँ से बीजेपी की प्रियंका टिबरीवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया है। और जीत के बाद ममता बनर्जी के समर्थकों में काफी उत्साह है। लगातार ममता बनर्जी के आवास के बाहर टीएमसी कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। 3 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए थे, एक पर ममता बनर्जी जीत गई है और 2 सीटों पर आपको बता दें कि टीएमसी आगे चल रही है, वहां से भी उसके जीतने के पूरे चांसेस। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीत गई थी और वो मुख्यमंत्री बन गई थी। और अब उपचुनाव के अंदर ममता बनर्जी विधायक बन जाए।